नमस्कार, आवाज न्यूज 24/7 में मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। समय का चक्र बना काल चक्र, अर्श से फर्श तक की बहुत सी कहानियों के बारे में आपने सुना होगा। ऐसी एक कहानी से आज मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ। मुंबई के मशहूर डायरेक्टर राम वृक्ष गौड़, जो की मशहूर सीरियल बालिका वधू में कार्य कर चुके हैं, जो की आज अपनी परिस्थितियों से इस कदर लड़ रहे हैं की सड़क पर सब्जी बेचने के लिए हुए मजबूर। देखिए आज की खास रिपोर्ट। कई मशहूर टीवी सीरियल और फिल्मों में डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर राम वृक्ष गौड़ आज ठेला चलाकर सब्जी बेचने को हुए मजबूर। एक से एक मशहूर कलाकारों को अपने इशारों पर हंसाने और रुलाने वाले डायरेक्टर आज अपनी स्थिति से लड़ रहे हैं। राम वृक्ष गौड़ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। रियल लाइफ की चकाचौंध और भागम भग की जिंदगी जीने वाले डायरेक्टर को अपनी स्थितियों से समझौता इस कदर करना पड़ रहा है कि परिवार का पेट पालने के लिए आज सब्जी बेच रहे हैं। हालांकि इन परिस्थितियों में भी डायरेक्टर राम वृक्ष का कहना है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों चलती है। लॉकडाउन में अपने बच्चे की परीक्षा दिलाने के नाम पर आए राम वृक्ष अब मुंबई का रुख नहीं कर पा रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियों ने इस कदर जकड़ लिया और मुंबई में फिल्मी काम बंद होने से मजबूर होकर सब्जी बेचकर पेट पालना पड़ रहा है। डायरेक्टर की पत्नी अनीता गौड़ का कहना है कि परिस्थितियां खराब है तो गम नहीं, आज नहीं तो कल हालात सुधरेंगे। 5 से ज्यादा टीवी सीरियल और फिल्मों में डायरेक्शन का कार्य कर चुके राम वृक्ष ने बताया कि लॉकडाउन ने उनकी जिंदगी का फलसफा ही बदल दिया, अब एक ठेले पर सब्जी बेचने को मजबूर है।